नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका हमारे केस्टेड न्यूज़ चैनल में। मस्जिद में लाउडस्पीकर पर कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, कहा बिगड़ती सामाजिक संतुलन। मस्जिद में लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर के इस्तेमाल पर लगी रोक हटाने को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक हटाने के लिए सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। बता दें कि दोस्त समुदाय में विवाद होने को रोकने के लिए SDM ने भी किसी भी धार्मिक स्थल पर उन चीज़ों का इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर पर रोक के फैसले को बताया सही। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगी रोक को सही बताया है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि वे मस्जिद में रोजाना 5 बार 2 मिनट के लिए इन उपकरणों के प्रयोग की अनुमति चाहती है। उन्होंने दावा किया है कि इससे प्रदूषण या शांति व्यवस्था को खतरा नहीं है, यह उनके धार्मिक कार्यों का हिस्सा है। बढ़ती आबादी की वजह से लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। कोर्ट ने याचिका किया तो किया खारिज। वही जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस विपिन चंद्र अधीक्षित की पीठ से इसे नकारते हुए कहा कि भले ही संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने के लिए अनुमति देता है, पर यह बुनियादी मूल्य के लिए हाईकोर्ट को सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उचित ढंग से अपने विशेष न्यायिक क्षेत्राधिकार का उपयोग करना चाहिए। मौजूदा मामले में यह साफ है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इससे सामाजिक असंतुलन पैदा हो सकता है। गैरलतब के इससे पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मुद्दे का चुके हैं जिन पर कोर्ट का फैसला संभाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चर्च और गौर केस में कहा था कि धर्म लाउडस्पीकर बजाने के लिए नहीं कहता। इसके अलावा संत कुमार व अन्य मामले में हाईकोर्ट खंडपीठ ने कहा अपना धर्म दूसरे ने ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के बुद्धपुर गांव में SDM ने 15 जनवरी से 14 जुलाई 2018 तक मौजूद अबू बकर सिद्दीकी में लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर लगाने की अनुमति दी थी। क्षेत्र में मौजूद एक अन्य मस्जिद रहमानी के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं लाई थी कि कुछ समय बाद रिपेयर करने के लिए उपकरण हटाए गए। आरोप है कि जब इन्हें वापस लगाया जा रहा था तो क्षेत्रीय के पुलिस उन्हें रोक दिया। इस पर मसरूर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने मार्च 2019 में याचिका को निर्देश दिए कि वे अनुमति को लेकर SDM को फिर से अर्जी दे। यह अर्जी दी गई और SDM के शाहगंज के CO के रिपोर्ट मंगवाई। CO ने मई 2019 में रिपोर्ट की। क्षेत्र में हिंदू व मुस्लिम समुदाय के मिलजुली आबादी रहती है, एक पक्ष को लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी तो शांति क्षेत्र की शांति प्रभावित होगी। SDM और CO ने गांव का दौरा किया और पाया कि साउंड एम्पलीफायर की वजह से क्षेत्र में तनाव है। ऐसे में SDM ने किसी भी धर्मस्थल पर उपकरण लगाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार मस्जिद में लाउडस्पीकर पर बड़ा फैसला कोर्ट ने लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस